लवा तालबा तलबात असलकम आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर प्रोग्रामों के सिलसिले के अगले प्रोग्राम में खुश आमदेद और आज हम अपने मौजू हरिस्टिक सर्च पर ही अपनी गुफ्तू को आगे बढ़ाएंगे आज के प्रोग्राम में हम आ स्टार और ग्रीडी सर्च को ही थोड़ा सा मजीद तफसील से बयान करेंगे और उसके बाद मेमरी बाउंडेड सर्च कि दो किस्में यानी इंटरेक्टिव डीपनिंग आर स्टार सर्च और एस एम ए स्टार सर्च पर बात करेंगे कि ये टाइल्स वाली मिसाल जो है इसको आप एक बोर्ड पे आपने सामने बना लें और देखें कि आपको जो आपकी जो एम्पटी टाइल है उसको आप जब मूव करते हैं अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे लाने के लिए तो तकरीबन 20 स्टेप्स में आप इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुँच चुकेंगे और पॉसिबल मूव जो हैं आपकी इट इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी एम्प्टी टाइल कहाँ पे है तीन मूव हो सकती हैं दो मूव हो सकती हैं चार मूव्स हो सकती हैं ये आप ट्राई कीजिए और देखिए कि वेदर वी आर करेक्ट इन मेकिंग दिस अजम्पन ये ये मिसाल जो है इस पर थोड़ा सा गौर करें तो हम दो कैंडिडेट ह्यूरिस्टिक फंक्शंस जो हैं वो दो हमारे सामने बनती हैं वो क्यों लेट्स से कि हमारी फर्स्ट कैंडिडेट ह्यूरिस्टिक फंक्शन इज एच वन और वो क्या है अगर आप गौर करेंगे ये एट पजल वाली एग्जाम्पल पे तो इनमें से सात टाइलें जो हैं वो आप आउट ऑफ प्लेस हैं एच वन द नंबर ऑफ टाइल्स दैट आर इन द रोंग पोजिशन हम ये समझते हैं कि ये एच वन एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है अगर हम इसको एज ए कैंडिडेट ह्यूरिस्टिक फंक्शन ले लें तो हम देखना यह चाहेंगे कि एच वन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ टाइल्स दैट आर इन द रोंग पोजिशन ये जो फिगर हमने पहले दी है सेवन ऑफ द एट टाइल्स आर आउट ऑफ पोजिशन आप गौर कीजिए इसमें आप देख रहे हैं कि सेवन आउट ऑफ एट टाइल्स आर आउट ऑफ द पोजिशन कौन सी टाइल अपनी पोजिशन पे है पहले यह टाइल सेवन जो है ये यहां पे भी स्टार्ट स्टेट में भी वहीं पे है और गोल स्टेट में भी वहीं पे है रिमेनिंग ऑल अदर टाइल्स आर नॉट एट दियर अप्रोप्रिएट प्लेस और आपको मूव करना पड़ेगी तो पहली ह्यूरिस्टिक फंक्शन एच वन जिसको हम कहते हैं कैंडिडेट ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है द नंबर ऑफ टाइल दैट आर इन द रोंग पोजिशन एंड इन द फिगर एच वन इक्वल टू सेवन ठीक है जी दूसरी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो हो सकती है द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टायम दियर गोल पोजिशन दिस इज समाइम कॉल्ड दिटी ब्लॉक डिस्टेंस और मैन हेटन डिस्टेंस द टायल वन टू एट इन दिव ए मैन हेटन डिस्टेंस ऑफ एच टू अब दूसरी हमारी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो क्या है हम जो कहते हैं कि कौन सी टाइल अपने गोल स्टेट से कितने डिस्टेंस पर है टाइल वन किस डिस्टेंस पे है टाइल टू किस डिस्टेंस पे है टायल थ्री किस डिस्टेंस पे है और इसी तरह से ये हमारी सेवन आउट ऑफ एट टाइल्स आर टू बी मूव फ्राम देयर ओरिजिनल प्लेस इन ऑर्डर टू रीच द गोल स्टेट और वो कितनी मूव्स दूर हैं इच टू पहली टाइल जो है टाइल वन जो है वो डिस्टेंस टू पे है टाइल थ्री टू जो है वो थ्री पे है टाइल थ्री थ्री पे है टाइल फोर डिस्टेंस टू पर है टाइल फाइव डिस्टेंस फोर पे है टाइल सिक्स डिस्टेंस टू पर है टाइल सेवन डिस्टेंस जीरो पे है बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन द गोल स्टेट और टाइल एट इज़ एट डिस्टेंस टू एंड ऑल इक्वल एटीन तो हमने ये देखा कि हम दो तरीके से अपनी हिरोस्टिक फंक्शन को मोल्ड uh, कर सकते हैं मॉडल कर सकते हैं बना सकते हैं एच वन इज कि हमारी कितनी टाइलें है जो हैं आउट ऑफ प्लेस हैं और एच टू एक uh, uh, जो हिरस्टिक है वो ये है कि हमें कितनी मूव्स कितनी मिनिमम मूव्स करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम द इनिशियल स्टेट एंड प्लेस द टाइल्स इन देयर एक्चुअल पोजिशन विच इज रिक्वायर्ड बाय द गोल स्टेट तो वो हमने मैन मैनहेटन ब्लॉक डिस्टेंस जो है उससे डिटर्मन कर लिया विच इज इक्वल टू एटीन एंड बोथ आर ह्यूरिस्टिक्स यकीन आप देखेंगे एच वन में हमें कम अज कम हर टाइल को एक दफा मूव करना है और एच वन इज इक्वल टू सेवन जब हम लेते हैं तो दैट मीनस दैट इज नॉट एन ओवर एस्टिमेट क्योंकि आपको हर टाइल को अपनी जगह से अगर मूव करना है तो एटलीस्ट वंस आपको जरूर मूव करना पड़ेगा तो मीनिंग देयर बाई कि आपकी जो एडमिसेबल हरिस्टिक जो है एच वन जो हिरिस्टिक आपकी है दैट इज एन एडमिसेबल होरिस्टिक इसी तरह से आप देख रहे हैं कि एच टू में आपने प्रैक्टिकली करके देख लिया कि फ्राम ए स्टेट जिस स्टेट पे आपकी टाइल है टाइल वन टाइल टू टाइल थ्री उसको अगर आप गोल स्टेट पे लेके जाते हैं तो आपको कितनी मूव्स करना पड़ती हैं तो वो भी एक एडमिसबल होरिस्टिक है तो हमने ये देखा कि हमारी कैंडिडेट ह्यूरिस्टिक्स जो हैं वो एच वन भी एडमिसेबल है और कैंडिडेट ह्यूरिस्टिक एच टू जो है वो भी एडमिसेबल है क्योंकि दे आर नॉट द ओवर एस्टिमेट ऑफ द कॉस्ट फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू गोल स्टेट आइए अब हम थोड़ा सा इस चीज को आ, एक और एंगल से देखते हैं आपको याद होगा कि हमने अपनी ब्लाइंड सर्च में इंटरेक्टिव डीपनिंग सर्च को देखा था और इस वक्त हमने स्टार सर्च जो है उसको देखा है लेट्स एक इनफैक्ट किताब वाले में किताब में ऑथर्स ने रिसर्चर्स ने ये मेंशन किया है कि हमने एक एक्सरसाइज की और उस एक्सरसाइज की बेस पे हमारे रिजल्ट्स जो हैं जब हमने इंटरएक्टिव डीपनिंग सर्च को स्टार के साथ कंपेयर किया जिसमें तकरीबन कमो बेस ट्वेंटी मूव्स थी तो रिजल्ट कुछ इस तरह के थे डेप्थ जो है एट डेप्थ टू इंटरेक्टिव डीपनिंग में हमारी सर्च कॉस्ट जो है वो टेन थी आ स्टार में यूजिंग एच वन छ थी और यूजिंग एच टू आ स्टार एच टू भी छ थी अब ये सोलूशन है उसी एट पजल का यूजिंग इंटरेक्टिव डीपनिंग यूजिंग आ स्टार और यूजिंग आ स्टार एच टू जब हमने डेप्थ जो है हमारी चार थी तो आर सर्च कॉस्ट वाज 112 इन इंटरेक्टिव डीपनिंग 13 इन आर स्टार यूजिंग एच वन एंड 12 इन यूजिंग आर स्टार इन यूजिंग एच टू इसी तरह से अगर हमने डेप्थ जो है सोल्यूशन डेप्थ छः अगर बढ़ा दी तो हमारी सर्च कॉस्ट वाज 680 हंड्रेड एट्टी तो आप देख रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूरिस्टिक डज मैटर एच वन यूज करते हैं अगर हम ह्यूरिस्टिक विच इज एच वन इक्वल टू सेवन तो इस पे हमारी जो सर्च कॉस्ट है ये इस तरह से बढ़ती है अगर हम एच टू यूज करते हैं जिसमें मैन हेटल हेटन ब्लॉक डिस्टेंस जो है विच इज एटीन उसको यूज करते हैं तो हमारी सर्च कॉस्ट जो है वो इस तरह से बढ़ती है मीनिंग देयर बाई के हमारी जो एज द डेप्थ ऑफ द सर्च इंक्रीज हमारे लिए सबसे एफिशेंट अलगोिदम जो है आस्टार यूजिंग एच टू है क्योंकि हमारी सर्च कॉस्ट जो है वो इसमें इवन एट द डेप्थ ट्वेंटी फोर वो हमारी सबसे कम है ये फिर देखें इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर जो है आई डी एस को हमने यूज किया और आ स्टार विद एच वन किया आ स्टार विद एच टू किया तो हम देखते हैं कि इफेक्टिव ब्रांचिंग फैक्टर है वो भी आ स्टार यूजिंग एच टू जो है वो सबसे कम है इससे हम किस नतीजे पर पहुंचे कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन अच्छी ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिटर्मन करना जो है वो इंतहाई अहम है और अगर हम एक अच्छी ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिटर्मन कर लेते हैं तो उससे हमारी सर्च में हमें हमारी सर्च कंप्लीट भी हो सकती है हमारी सर्च एफिशिएंट भी होगी और ऑप्टिमल भी होगी आइए अब हम देखें कि हम किस तरह से एक अच्छी ह्यूरिस्टिक फंक्शन जो है वो इन्वेंट कर सकते हैं यहाँ पे हम एक मिसाल से शुरू करेंगे वो मिसाल या डेफिनेशन जो है दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए रिलैक्स प्रॉब्लम ए प्रॉब्लम विद लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन इज कॉल्ड ए रिलैक्सड प्रॉब्लम फर्ज कीजिए यही एट पज़ल वाली जो मिसाल है इसी मिसाल को जब हम सामने लाते हैं तो हमारे सामने रिस्ट्रिक्शन क्या है रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप अपनी एक टाइल को मूव सिर्फ उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे आपके पास खाली स्पेस मौजूद है एक टाइल को दूसरी टाइल के ऊपर नहीं रख सकते ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है ठीक है इसी तरह से हमारे पास एक और रिस्ट्रिक्शन इसी एट पजल में यह है कि आप डायग्नली Uh, इस uh, जो ब्लैंक टाइल है उसको डैग्नली आप मूव नहीं कर सकते तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं अब इन रिस्ट्रिक्शन को सामने रखते हुए जब आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्टी होगी अगर आप ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं इनको निकाल देंगे या फॉर द टाइम बींग उनको इग्नोर कर देंगे तो प्रॉब्लम को जब आप डिफाइन करेंगे तो आप ये कहेंगे दिस इज ए रिलैक्स प्रॉब्लम और जब आप रिलैक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने uh, की कोशिश करेंगे और इट विल बी डेफिनेटली इजियर टू फाइंड अ सोल्यूशन ऑफ ए रिलैक्स प्रॉब्लम रादर देन ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हैविंग लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस तो आपको ह्यूरिस्टिक फंक्शन डेवलप करने में आसानी होगी ए प्रॉब्लम विद लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑपरेशन इज कॉल्ड रिलैक्स प्रॉब्लम हमने देखा इट इज ऑफन द केस दैट द कॉस्ट ऑफ एन एग्जैक्ट सोल्यूशन टू द रिलैक्स प्रॉब्लम इज गुड ह्यूरिस्टिक फॉर ओरिजिनल प्रॉब्लम यहाँ ये बात याद रखने की है वंस अगेन इट इज़ ऑफन द केस इट इज़ ऑफन द केस दैट द कॉस्ट ऑफ एन एग्जैक्ट सोल्यूशन टू ए रिलैक्स प्रॉब्लम इज ए गुड ह्यूरिस्टिक फॉर ओरिजिनल प्रॉब्लम अगर आप अपने इससे हम क्या नतीजा अखज करते हैं हम इससे नतीजा ये खज करते हैं कि अगर हम अपने औरिजिनल प्रॉब्लम को में से रिस्ट्रिक्शंस को निकाल दें या रिलैक्स कर दें और अपने प्रॉब्लम को एक रिलैक्स प्रॉब्लम की शक्ल में मॉडल कर लें और उसके बाद हम ह्यूरिस्टिक वर्कआउट करें तो आपका जो रिलैक्स प्रॉब्लम है दैट कैन बी ए गुड मॉडल ऑफ ए ह्यूरिस्टिक फॉर योर ओरिजिनल प्रॉब्लम टाइल्स वाली मिसाल पे बात करते हुए हम आगे चलेंगे ए टाइल कैन मूव फ्रॉम स्क्वेर ए टू एडजेसेंट टू बी एंड बी इज ब्लैक ये हमारा लेट से इट्स आर ओरिजिनल प्रॉब्लम अब इसकी रिलैक्स जो प्रॉब्लम फॉर्मूलेशन है वो कैसे बनती है वी कैन जनरेट थ्री रिलैक्स प्रॉब्लम्स बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ द दंडीशन नंबर वन वो क्या सूरत बनती है एटायल कैन मूव फ्रॉम स्क्र ए टू बी इफ ए इज स्क्न टू बी हम वो जो एम वाली या ब्लैंक वाली जो कंडीशन थी हम यहां पे रिमूव कर दी और फॉर्मूलेशन इसकी क्या हो सकती है ए टायल कैन मूव फ्रॉम स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर बी इफ बी इज ब्लैंक हमने एडजेसेंसी जो है वो वाली कंडीशन जो है वो रिलैक्स कर दी तीसरी सिचुएशन ए टायल कैन मूव फ्रॉम स्क्वेयर ए टू स्क्वेयर बी दैट्स ऑल ए से बी तक मूव कर सकती है उसमें एडजेसेंसी वाली कंडीशन भी नहीं है और उसमें ब्लैंकनेस वाली कंडीशन भी नहीं है तो मीनिंग देर बाई कि हमने एक ओरिजिनल प्रॉब्लम को बाई रिमूविंग द रिस्ट्रिक्शन एक रिलैक्स प्रॉब्लम बना लिया है इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को रिलैक्स प्रॉब्लम की शक्ल में मॉडल करके एक अच्छी स्टिक जो है वो वर्कआउट कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि हमारे पास हैं वी हैव ए बी कुछ एरियाज हैं हमारे पास सी डी ई और एफ और हमने इनको कलर करना है ग्रीन रेड तो लेट्स से हमारा जो सी है अगला लॉजिकल जो हमारा स्क्वेयर uh, है किसको हम uh, करेंगे कलर uh, करेंगे दैट कुड बी ई एंड द कलर वी यूज कैन वी कैन यूज ब्लू ठीक और उसके बाद अगर हमने उसमें लेट्स से कंडीशन लगाई हुई है कि रेड और लेट्स से रेड और ग्रीन जो है वो इकट्ठे नहीं आ सकते या ग्रीन और ब्लू इकट्ठे नहीं आ सकते और सो so ऑन हमने अगर इस किस्म की कंडीशन लगाई हुई हैं तो फिर हमारे लिए इनको एक अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में कलर करते हुए चले जाना डिफिकल्ट होगा उससे अगला अगर हम कहते हैं कि कौन सा जो है ब्लॉक जो है उसको हम कलर करेंगे दैट इज ऑब्वियसली सी नेक्स्ट कुड बी एफ और इस तरह से अगर हम लेट्स से सी उस शक्ल में होगा अगर हम ये कंडीशन लगा देते हैं कि ब्लू uh, और रेड जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम कौन सा सी में कौन सा कलर करेंगे ऑब्वियसली सी इज़ ए गुड कैंडिडेट फॉर ब्लू एंड सो ऑन तो यहाँ पे इस इस, इस डायग्राम से हम वी कैन वी कैन ट्राई टू मॉडल ए प्रॉब्लम विद सम समीशन विद सम रिस्ट्रिक्शंस एंड आल्सो विद सम रिलैक्स्ड कंडीशंस और विदाउट एनी कंडीशंस अजीज तलाबा, uh, हमने आपको याद होगा कि शुरू में बात करते हुए हमने जिक्र uh, किया था कि एक वन क्लास ऑफ इन्फॉर्म्ड सर्च इज़ बेस्ट फर्स्ट सर्च और उसमें हमने तफसीला जिक्र किया आस्टार सर्च का और ग्रीडी सर्च का एक दूसरी किस्म इन्फॉर्म्ड और ह्यूरिस्टिक सर्च की वो होती है दैट इज मेमोरी बाउंड सर्च मेमोरी बाउंड सर्च की हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है कुछ प्रॉब्लम जो हैं दे आर इंट्रेंसिकली डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इट इज़ ये हम जो मिसालें हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये मिसालें बहुत आई वुड से दे आर वेरी अंडरस्टैंड वेरी ईजी दे आर नॉट कॉम्प्लेक्स लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में आपके पास बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं विचार इंट्रेंसिकली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स जब आप उनको मॉडल करने की कोशिश करते हैं जब आप उनको प्रॉब्लम uh, की शक्ल में सर्च uh, प्रॉब्लम की शक्ल में लाने की कोशिश करते हैं दे आर इंट्रेंसिकली वेरी डिफ़िकल्ट एंड सिमिलरली सम प्रॉब्लम कैन बी एक्सपोनशली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिनमें आपकी टाइम एंड मेमरी रिक्वायरमेंट्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई और इन सम केसेस जैसे जैसे आपका ब्रांचिंग फैक्टर जैसे जैसे आपकी डेप्थ ऑफ द सर्च बढ़ती चली जाती है तो टाइम एंड स्पेस दे बिकम इंक्रीजिंगली इंक्रीजिंगली बिकम इम्पॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल इन ऑर्डर टू परफॉर्म द सर्च तो मेमोरी बाउंडेड सर्च जो है इन टर्म्स ऑफ द एफिशंसी तो क्या चीज़ है जो हमें मूव करती है कि हम अदरवाइज़ uh, वो सर्च जो काम तो करती हैं लेकिन दे आर इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दे आर नॉट एज एफिशेंट तो हम उन अलग्रदम की तरफ देखते हैं जो कि टाइम और स्पेस के हवाले से एफिशेंट हों हमने ये देखा कि इंटरएक्टिव डीपनिंग जो है दैट इज मेमरी एफिशियंट प्रीवियसली जब आप जब हम ब्लाइंड सर्च को देख रहे थे तो हमने ये देखा कि इंटरेक्टिव डिपनिंग जो है वो मैमरी एफिशेंट है आस्टार भी हमने देखा कि अगर आपके पास ह्यूरिस्टिक फंक्शन अच्छी हो तो वो भी एफिशेंटली काम करती है इन टर्म्स ऑफ टाइम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ स्पेस इवन एट ए हाई डेप्थ तो हाउ टू इकोनोमाइज हाउ टू मेक टाइम एंड स्पेस हाउ टू इंप्रूव द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्च रिसर्चर्स ने कंबाइन किया इंटरेक्टिव डीपनिंग को और आस्ट आस्ट सर्च को इन दोनों को कंबाइन किया they were able to increase the efficiency the space efficiency of the search so usko they called that id interactive deepening R star that is the application of interactive deepening to R star then they developed another sm simplified memory R star which is simplified memory bounded R star which results restricts the queue size to fit in the memory एक तो ये है कि एस एम आ स्टार जो है ये सारी अवेलेबल मेमोरी को इस्तेमाल कर लेती है हम अभी तफसील से देखेंगे तो दो मेमोरी बाउंडेड सर्च की दो स्ट्रेटजीज़ पर हम आज मजीद बात करेंगे कि इंटरेक्टिव डीपनिंग जो है उस स्ट्रेटजीज़ को आर स्टार के साथ किस तरह से कंबाइन किया गया है इंटरेक्टिव डीपनिंग आर स्टार सर्च जो है यूज़ इटरेटिव डीपनिंग टू रिड्यूस मेमोरी रिक्वायरमेंट्स इट्रेशन यूज एंड एफ कॉस्ट एज लिमिट अब हम हम एक नई चीज जो हमारे सामने आई है दैट इज एफ कॉस्ट अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी सर्च स्पेस है उसमें हम एफ कॉस्ट जो है उसको एक फंक्शन के तौर पर डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पूरी सर्च स्पेस में वेरियस कंटूअर्स जो हैं कीपिंग फॉर वेरियस लेवल ऑफ एफ कॉस्ट फंक्शन जो है वो क्या बनते हैं और उसको सामने रखते हुए हम अपने कंट्रूअर पे एफ कॉस्ट की जो वैल्यूज जो हैं वो बढ़ाते चले जाते हैं और, और देखते चले जाते हैं कि वेदर आर सोल्यूशन लाइज इन दैट पर्टिकुलर लिमिट और नॉट इफ द सर्च विद इन गिवन कंट्रोअर इज फिनिश्ड ए इटरेशन फॉर द नेक्स्ट कंट्रूअर इज स्टार्ट आइए अब हम देखते हैं ये F कॉस्ट फंक्शन जो है ये इसकी कंटूअरिंग किस तरह से आपकी सर्च स्पेस में किस तरह से होती है और आपकी सर्च किस तरह से प्रोग्रेस होती है इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये ब्लू जहां पे F कॉस्ट आपकी 380 है और ये एरिया जो है ये आपकी सर्च स्पेस में ये 380 एटी एफ कॉस्ट कंटूअर है और ये वाला जो ग्रीन का एरिया है ये 400 हंड्रेड कॉस्ट कंटूअर है ठीक है तो इसमें आप बेसिकली मूव uh, किस तरह से करते हैं कि पहले आप सर्च करते हैं ये थ्री एटी वाला कंटूअर जो लेस एफ कॉस्ट है और उसके बाद ये बड़ा वाला और मे बी इसके बाहर मज़ीद एक और हो क्योंकि हमारा बुखारस प्रबली मे भी अगर यहाँ पे है uh, फ़र्ज कीजिए यहाँ पे होने की बजाय आपका बुखारस जो है वो यहाँ पे है तो यू मे हैव टू डेवलप एन अधर कंटूवर से दैट मे बी 420 का कंटूअर जो है तो आपकी सर्च जो है वो वाइल्ड नहीं होती यूजिंग आई डी स्टार इंटरेक्टिव डीपनिंग स्टार कि आप एफ़ कॉस्ट जो है एक पहले आप लिमिटेड कंट्रोअर देखते हैं स्पेस में कि आपकी लट से जहाँ पे इस मिसाल में आपने देखा 380 एटी कंट्रोअर पे uh, आपने एफ़ कॉस्ट पे देखा उसके बाद आपने 400 पे देखा इवन इफ अगर आप 400 पे भी अपने गोल स्टेट पे नहीं पहुँचते तो आप कंट्रोअर की वैल्यू जो है उसको मजीद बढ़ा सकते हैं फीचर्स जो हैं इंटरेक्टिव डीपनिंग आ स्टार के इटरेटिव डीपनिंग आ स्टार के फीचर्स जो हैं लाइक आ स्टार आई डी आ स्टार इज कम्प्लीट एंड इट इज ऑप्टिमल ओनली रिक्वायर्स स्पेस प्रोपोर्शनल टू द लॉन्गेस्ट पैथ इसमें मैंने जिक्र किया कि आ स्टार जो है ये मेमोरी एफिशिएंट है इफ सिग्मा इज द स्मॉलेस्ट ऑपरेटर कॉस्ट एंड एफ स्टार इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन कॉस्ट वर्स्ट केस आई डी ए स्टार रिक्वायर्स बी एफ स्टार ओवर सिगमा नोड यूजअली बी डी इज ए गुड एस्टिमेट आई डी आ स्टार में बी डी इज डेप्थ बी इज ब्रांचिंग फैक्टर इज यूजली ए गुड एस्टिमेट फर्दर जब हम आई डी ए स्टार की टाइम्स कॉम्पलेक्सिटी देखते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एच Usually, ID star only goes to 2 or 3 iterations. The last iteration of IDA* star expands roughly the same number of nodes as R star and less overhead than R star. Meaning, thereby, that when we interactive deep name R star and iterative deep name R star combine, kiya, we get both the efficiency in terms of its time complexity. एज़ वेल एज इन टर्म्स ऑफ इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इस चीज का बार बार जिक्र कर चुके हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में और खास तौर पर सर्च की दुनिया में आपकी टाइम स्पेस या मेमरी कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेमरी रिक्वायरमेंट जो है दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अब हम एक और सिंप्लीफाइड एक और सर्च अलगोिदम का जिक्र करेंगे जो कि मेमरी एफिशेंट है किस तरह से मेमोरी एफिशिएंसी अचीव करती है बाय यूजिंग ऑल द अवेलेबल मेमोरी, जो जो भी उस सर्च को अवेलेबल होती है उस सारी मेमोरी को यूज़ कर लेती है और सिंपली सिंपलीफाइड मेमोरी बाउंड आस्टार जो है इसमें बेसिकली आप मेमोरी के साथ मेमोरी uh, की यूटिलाइजेशन जो है वो इफेक्टिव करते हैं फॉर एन स्टार सर्च आई प्रॉब्लम में आपने देखा कि इट यूजेस टू लिटिल मेमोरी इसमें बहुत थोड़ी मेमोरी ये यूज करती है जबकि सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंडेड स्टार सर जो है इट यूजेस ऑल द अवेलेबल मेमोरी, इट अवॉइड्स रिपीटेड स्टेट्स एज फार एज मेमोरी अलाउज इट इज कंप्लीट इफ द शैलोएस्ट सॉल्यूशन कैन बी स्टोर इट्स ऑप्टिमल इफ द शैलोएस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन पाथ कैन बी स्टोर एंड इट इज ऑप्टिमली एफिशिएंट फ दी इंटायर सर्च ट्री कैन बी स्टोर। अब यहां पे ये सिंप्लीफाइड मेमोरी बॉन्डेड सर्च जो है ये हम देखेंगे कि हाउ एफिशिएंटली दिस सर्च यूटिलाइज द मेमोरी। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं आप ए से शुरू करते हैं आपके पास दो नोड हैं बी और जी टू बी एक्सपेंडेड B के बाद फर्दर आपके पास दो नोड हैं टू बी एक्सपेंडेड C, D जो है ये आपकी गोल स्टेट है C पे अगर जब आप आते हैं तो आप E और F हैं इसी तरह से जब आप G पे जाते हैं H और I I आपका जो है वो गोल नोड है H पे जब जा आप जाते हैं J और K जो है ये आपका नोड है सिंप्लीफाइड आ स्टार में आप किस तरह से इन नोड्स को एक्सपैंड करते हैं आप यहां पर देखेंगे आ टू बी कॉस्ट इज टेन यहां पे आठ है ए पे आपके एफ ओफ एन बारह है यहां पे पंद्रह है पच्चीस है पैंतीस है तीस है चौबीस है उनतीस है एंड सो ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम ए जो कि हमारी इनिशियल स्टेट है हम गोल स्टेट्स पर किस तरह से पहुंचते हैं और अपने नोड्स को किस तरह से एक्सपेंड करते हैं आइए जरा तफसील से देखते हैं सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंड स्टार सर्च जो है इसमें हम एक फंक्शन यूज करते हैं दैट इज एफ कॉस्ट सर्च एफ कॉस्ट जो है दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन मेकिंग द डिसीजन और इन डिटर्मिन विच नोड टू एक्सपैंड फर्स्ट ईच नोड इज लेबल्ड विद इट्स करंट एफ कॉस्ट वैल्यू इन परंथिस शोज द वैल्यू ऑफ द बेस्ट फॉर गॉटन डिसेंडेंट यहां पे हम देखें कि आप ए से शुरू करते हैं जिसकी एफ कॉस्ट जो है वो ट्वेल्व है ए से ट्वेल्व है इसकी एफ कॉस्ट जो है बी जो है सर्टनली आपका लेफ्ट साइड uh, uh, का पहला नोड जो है आप उसको एक्सपेंड करेंगे विच हैज एफ कॉस्ट ऑफ फिफ्टीन आगे चलते हैं ए से आपने शुरू किया बी को पहले किया पंद्रह आपने छोड़ दिया दोबारा आए जी थर्टीन है तो आप किस राउट पे जिसकी एफ कॉस्ट सबसे कम है उस राउट पे आप आगे बढ़ेंगे तो आपने अगले स्टेप में ए से शुरू किया थर्टीन वाला नोट जो है विच इज जी उसको एक्सपेंड किया फर्दर और फिफ्टीन जो है आप उसको भूल गए ये फिफ्टीन वाला ये आप मेमोरी में रख रहे हैं इसको ये वाला बी जो है इसको आप मेमोरी में रख रहे हैं जिस चीज को आप भूल गए हैं उसको यहां मेमोरी में रख रहे हैं इसको प्रिंथेस में जो है आप हम इसको कहेंगे ये जो फॉरगटन जो है दैट इज इन प्रेंथसेज और ए से आप जी पे आ गए थर्टीन इसको अब आपने एक्सपेंड करना है एक्सपेंड किया एच पे आ गए इसकी एफ कॉस्ट एटीन है और नीड इन्फिनिटी पंद्रह जी पे आए चौबीस आपकी जो फॉरगटन uh, जो है वो इंफिनिटी है जी को जब आपने फर्दर एक्सपेंड किया आई पे तो इसकी कॉस्ट जो है इसकी एफ कॉस्ट जो है वो चौबीस है दोबारा आप फिर ए पे आए बी और जी को आपने देखा कि इसमें से किसकी एफ कॉस्ट जो है वो कम है जाहिर है बी की एफ कॉस्ट कम है पंद्रह और चौबीस आपने पंद्रह और चौबीस का कंपेयर किया तो आप पंद्रह बी को एक्सपेंड करेंगे ठीक है जी सी पे गए जिसकी एफ एफकॉस्ट पच्चीस है एंड यू हैव इंफिनिटी हियर मीनिंग देर बाई अगेन यू कम बैक टू बी और बी का जो दूसरी लेग है विच इज डी आप उसको एक्सपेंड करेंगे बी की दूसरी लेग जो है आप इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि सर्टनली आपकी इस वक्त मेमोरी में आपका क्या है इंफिनिटी है फिर ए से बी पे और बी से डी अल्टी आपका पहला जो आ, जो टारगेट नोड है इस सर्च सीक्वेंस में आप यहाँ पे पहुँचे तो दिस इज़ हाउ आपकी जो सिंप्लीफाइड मेमोरी बाउंडेड आर स्टार जो है ये वट एवर इज द मेमोरी अवेलेबल उस सारी मेमोरी को यूज़ करती है लेकिन उसमें आपको कुछ रिपीटेड uh, पैथ्स पे आना पड़ता है लेकिन जिन नोड्स को वो फॉरगेट करती है भूलती है उनको अपनी मेमोरी में रखती है और मोस्ट एफिशिएंट पाथ पे प्रोसीड करती है Uh, अज़ीज़ तलावा मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि एसेंस ऑफ दिस कोर्स इज़ ट्राइंग टू राइट सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स यूजिंग लेस्ट फॉर प्रोलॉग उसके लिए बहुत अच्छी मिसालें जो हैं बहुत अच्छी एग्जांपल्स जो हैं प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशंस की बहुत सारी एग्जांपल्स जो हैं आपको इंटरनेट पे बड़ी फ्रीली अवेलेबल हैं कुछ अच्छी साइट्स जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कॉर्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसकी अगर आप साइट देखेंगे तो उस पर बहुत अच्छी मिसालें अवेलेबल हैं बर्कले का जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है उसकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में भी बहुत अच्छी मिसालें जो हैं अवेलेबल हैं अगर आप रिबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत सारी मिसालें जो हैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स के हवाले से असाइनमेंट्स के हवाले से उनके सोलूशन के हवाले से एम की वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं मैं आपको बड़ी स्ट्रांगली ये अर्ज करूँगा कि आप उन वेबसाइट्स को ज़रूर देखिए और बहुत सारी मिसालों को प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज़